हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज हम जिस पौधे की बात करने चल रहे हैं आपके सामने है, और कम से कम ये तीन पॉट्स में है, एक ये और ये चौथे पॉट में हम आपके सामने इसको लगाएंगे भी और आप देखेंगे भी। दोस्तों, ये प्लांट है पोर्चुलका। दोस्तों, इसका दो अन्य नाम है मॉस रोज, टेबल रोज, या इसको 9 o'clock भी कहते हैं, कहीं कहीं 10 o'clock भी कहते हैं। और दोस्तों, हम लोग तो अगर शुद्ध गांव की भाषा में क्या इसको बोलते थे, घसियावा फूल। दोस्तों, ये घास जैसा लंबा लंबा बढ़ जाता है, इसलिए इसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते रहे हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये नाम सब जगह प्रचलित हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब दोस्तों, समझना पड़ेगा इस प्लांट के बारे में पूरी डिटेल। प्लांट को समझने के पहले आगे हम ये समझेंगे दोस्तों कि ये किस क्लास का प्लांट है। ये दोस्तों एक सकलेंट क्लास का प्लांट है और समर सीज़न में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। और स्वभाव से ये इसके जो प्रकृति है वो सकलेंट क्लास की। जब बात सकलेंट की आती है तो नए गार्डनर्स के लिए ये जानना ज़रूरी है, अर्थात इसके तने में, इसकी पत्तियों में पानी स्टोर्ड रहता है, यानी पानी के मामले में विशेष सावधानी बरतनी होगी, ये चीज़ जानना चाहिए। और ये हम अभी डिटेल में वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके पहले और बताऊँ इसके बारे में, ये समर सीजन का प्लांट है, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। मल्टीपल वैरायटी हैं इसको दोस्तों, पिंक कलर का होता है, रेड कलर का फूल आते हैं, वाइट कलर के आते हैं दोस्तों, येलो कलर के आते हैं, और ये कह सकते हैं कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी ये सजावटी के लिए है। ढेर सारे रंग बिरंगे फूल आना सजावटी में, क्योंकि इसके फ्लावर्स में दोस्तों स्मेल नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों, ये फ्लावरिंग प्लांट होते हुए एक ऑर्नामेंट प्लांट है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इससे पहले दोस्तों, हम डिटेल में बात करें, अयोध्या गार्डनिंग चैनल एक गार्डनिंग चैनल है, और ढेर सारी जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप गार्डनिंग के प्रति प्रेरित होना चाहते हैं, औरों को प्रेरित करना चाहते हैं दोस्तों, इसको शेयर भी ज़रूर करें, ताकि लोग गार्डनिंग के प्रति प्रेरित हों, पर्यावरण को रक्षा करने के लिए आगे आएँ दोस्तों, शुरुआत अपने घर से करें। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आज का डिस्कशन जो कट टॉपिक्स है, पॉइंट्स हैं इस पौधे के, मैं आपसे पहले आपको ब्रीफ कर लेता हूँ। हम ये जानेंगे दोस्तों कि आखिर इस पौधे में फूल क्यों नहीं आते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें फूल ना के बराबर हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर बात करने के लिए रखा। और हाँ, ये इस पौधे विशेष की क्या स्थिति, ये भी मैं आपसे बात करूँगा। इसको रखने का बेस्ट प्लेस क्या होना चाहिए दोस्तों, फर्टिलाइज़र क्या हो और कब कब दें दोस्तों, वाटरिंग प्रोसेस कैसा हो। जैसा कि मैंने बताया, सकलेंट क्लास का पौधा है, तो वाटर पे तो बहुत ही ध्यान देना है दोस्तों। ये चीज़ हम आपसे अभी चर्चा करने वाले हैं, अभी हम पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कौन कौन पॉइंट से इसमें जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। इसको हम और पौधों के साथ लगा सकते हैं या नहीं, ये भी हम जानेंगे। यानी जो अगर कोई पौधा बड़ा है, ये चूँकि ऐसा है जो फैलने वाला पौधा है, तो हम बड़े पौधों के साथ इसको गमले में लगा सकते हैं कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। गर्मी, सर्दी और बारिश तीनों मौसम में इसको अलग अलग ढंग से संभालें हम कैसे, इसका परफॉर्मेंस कैसे लें, ये चीज़ हमें दोस्तों आज इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। इसको हम प्लांट कैसे करें, यानी नया पौधा कैसे लगाएं, इसके बारे में बात करेंगे। और लगाने के बाद जो सावधानियाँ होंगी दोस्तों, उसकी भी चर्चा जरूर इस वीडियो में हम करेंगे। मिट्टी कैसी हो, गमला कैसा हो, ये सारी बातें होने चल रही हैं दोस्तों। ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए आए हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल की। ये पौधा दोस्तों आप देख रहे होंगे बहुत नाजुक सा लग रहा है देखने में, बहुत पतला पतला है। इसकी जड़ें भी दोस्तों पतली होंगी, जो पौधा खुद नाजुक है उसकी जड़ें भी नाजुक होंगी दोस्तों। ऐसे में सैंडी सॉइल एक अनिवार्य शर्त है, ताकि जड़ें जब निकलना शुरू हों तो उनको बढ़ने के लिए कोई अवरोध ना उत्पन्न हो, जैसा कि हार्ड मिट्टी कर देती है। और इसके बाद दोस्तों, जब बात हम मिट्टी की कर रहे हैं, गमले की भी करने चल रहे हैं, तो इसका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। कम से कम 2 होल जरूर बना के रखें इस गमले में नीचे, उसके बाद ही मिट्टी आदि डालें। अब आइडियल मिट्टी वही है दोस्तों, 1/3 जनरल मिट्टी, 1/3 बालू मिलाएं, 1/3 गोबर की खाद मिलाएं, और 1/2 चम्मच फंगल पाउडर ज़रूर मिलाएं, क्योंकि आप कहाँ से मिट्टी ले रहे हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना होती है। ऐसे में कम से कम 1/2 चम्मच
एंटी फंगल मिला देंगे तो आपका पौधा शुरुआत से ही खराब फंगस की वजह से ख़राब होने की स्थिति नहीं रहेगी। इसके लिए दोस्तों बात करते हैं पॉट की। 9 इंच के आसपास का, 10 इंच के आसपास का पौधा तो वैसे गमला की बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा, वैसे इसकी जड़ी गहरी जाती नहीं, इसलिए छिछला प्लाट पॉट इसके लिए बहुत अच्छा होगा, छिछला पॉट इसके लिए बहुत अच्छा होगा। हैंगिंग के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, आप इस तरह के हैंगिंग में भी लगा सकते हैं जो दीवारों पर टांगने वाला है, और इसको बीच में भी आप, हम लोग इसको बनाने चल रहे हैं अभी, इसको भी हैंगिंग में कर सकते हैं और तो और पॉट में भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों गमला आपका चाहे सीमेंट का लें, गमले की बात कर रहा हूँ, चाहे मिट्टी का लें, चाहे प्लास्टिक का लें, इसकी मैंने बढ़िया से समीक्षा की है। अगर आप गार्डनिंग अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से प्ले टूल्स गार्डनिंग टूल्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि आखिर हमारा गमले का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, ये चीज़ जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके पहले और जानकारी हम इकट्ठा कर लें, हम ये जान लें कि इस पौधे को हम लगाते क्यों हैं, हमारा पर्पज क्या होता है। दोस्तों जैसा मैंने शुरू में ही बताया, इस पौधे को एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी खूबसूरती आपके घर में देगा, जगह को रौनकपूर्ण बनाएगा दोस्तों, वीरानगी दूर करेगा, और ये सजावटी होने के नाते उस जगह को एक अपने आप में प्राकृतिक आकर्षण पूर्ण बना देगा दोस्तों। इसकी जो मल्टीपल वैरायटी होती हैं, चाहे वाइट है, रेड है, पिंक है, येलो, ये एक खूबसूरती का एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि कोई भी बोल ही पड़ेगा। दूसरा कारण, अन्य कारण हम कह सकते हैं लगाने का दोस्तों, ये बहुत ही सरल प्लांट है, कोई भी लगा सकता है, इसमें किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इसका जो फ्लावरिंग है वो कैसे आए वो बहुत ज़रूरी है जानना, यानी अगर हम ये जान लें कि वो कौन कौन से कारण है फूल नहीं आते हैं तो हमारी ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी और हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस पौधे को सिर्फ फ्लावरिंग लेना। दोस्तों ज़्यादा पानी और कम पानी, यानी पानी जब ज़्यादा हो जाता है दोस्तों तो जड़ें क्या होती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, वो जड़ें एकदम भीगी रहती हैं, पानी जहाँ पानी बहुत इकट्ठा होता है, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी इस पर बनाया कि जड़ें जब के आसपास जब पानी इकट्ठा हो जाता है, आप देखते होंगे बरसात के मौसम में सड़क के किनारे बहुत पुराने पेड़ भी ख़त्म हो जाते हैं अगर उनमें लंबे समय तक 2-3 महीने तक पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी बहुत बड़े पौधे, क्योंकि उन जड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, ऐसे में जड़ें कुछ ले ही नहीं सकती, मर जाती हैं। तो और इसी तरह कम पानी, कम पानी होगा दोस्तों तो जड़ें सूख जाएंगी, वैसे मर जाएंगी, तो कुछ चीज़ आपकी ले नहीं पाएंगी जो आप देंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, 6 से 8 घंटे की सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर 6 से 8 घंटे की सनलाइट इस पौधे को नहीं मिल रही है, ये पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा दोस्तों, ये चीज़ हमें जानना होगा। कम फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये ज़्यादा सनलाइट मतलब डिमांड करता है, ये मतलब क्या है इसका, मतलब ये इसका है कि दोस्तों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत अच्छा करता है। फोटोसिंथेसिस अच्छा करने का मतलब है कि जो हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या है खाना बनाना पौधा का, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी तो रहने चाहिए, तो फर्टिलाइज़र कम नहीं होना चाहिए। कब? फ्लावरिंग पीरियड में, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक हमें फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। कम प्रूनिंग भी एक इसका कम फ्लावरिंग का कारण होता है, अगर हम रेगुलर प्रून नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादा ब्रांचेज नहीं आएंगे, ज़्यादा ब्रांचेज नहीं आएंगे तो ज़्यादा पत्तियाँ भी नहीं आएंगी, ज़्यादा पत्तियाँ नहीं आएंगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डिमांड नहीं करेगा, ऐसे में क्या होगा, आउटपुट जो कि इसका फ्लावर्स होता है वो नहीं आएगा दोस्तों। अब एक चीज़ और हमें ध्यान रखना ही होगा कि जो फूल आते भी हैं और पुराने सूख जाते हैं लेकिन उसी में पौधे में जुड़े रहते हैं प्लांट में, वो हमें तत्काल हटा देना चाहिए, क्योंकि वो भी एनर्जी को लेते रहते हैं और उससे हमको कुछ लेना होता नहीं है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखेंगे दोस्तों तो फूल ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए दोस्तों। अब इस पर्टिकुलर पौधे की बात करेंगे दोस्तों, मुश्किल से अगर हम कहें कि 3 हफ्ते का ही सारा डेवलपमेंट है, 3 हफ्ते में ही मैंने भी सारा फोकस ये कर रखा है कि इसकी घना बहुत ज़्यादा हो। इसको मैंने दोस्तों कटिंग से लगाया था और इसको बार बार प्रूनिंग किया, तो जब बार बार आप प्रूनिंग करेंगे तो पौधा क्या होगा, सारी अपनी ताकत जो है नए ब्रांचेज में लगाएगा, फ्लावरिंग में नहीं लगाएगा। अब आप देखें इसमें थोड़ा सा, इस पौधे को अगर देखें तो इसमें कलियाँ बनना काफ़ी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, ये कलियाँ इसमें आना शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि ये पौधा हमारा अच्छी फ्लावर्स देगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। ये पर्टिकुलर मैंने उसकी, अब हमें दोस्तों ये जानना होगा कि सकलेंट क्लास का होने के नाते वाटर मैनेजमेंट कैसा हो।
तो वाटर मैनेज दोस्तों आपका जो अगर हमने ये जान लिया, हमने ये जान लिया कि आखिर ये कैसे मतलब फ्लावर नहीं देता है, तो अब हमें ये ध्यान देना कि पानी इसको तब देना होगा जब पौधों में पानी कम ना हो। ये मतलब पानी की बात अगर करूँ तो पानी हमें तब देना होगा दोस्तों, ये नहीं कि मिट्टी एक दो इंच हमने खोदी और हमने दे दिया। एक्चुअली सकलेंट क्लास की विशेषता क्या होती है दोस्तों, वो पौधे जो है पत्तियों में तनों में पानी स्टोर किए रहते हैं। मिट्टी सूख गई इसका मतलब ये होता है कि अभी तो हो सकता है इनके उसमें पानी हो, मिट्टी भले सूखी हो, यानी अगर हम तब पानी देंगे उस वक्त ये पानी नहीं भी ले सकते हैं। ऐसे में बीच का एक रास्ता ये है दोस्तों, जब एक दिन देख लें कि ये मुरझाने लगा है तब पानी दें, और ये बेस्ट वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी होगी दोस्तों इस पौधे के लिए। फर्टिलाइज़र क्या हो दोस्तों, पहली बात ये हम जान लें पर फर्टिलाइज़र हम दें कब। फर्टिलाइज़र दोस्तों तब दें जब मिट्टी भरपूर सूखी हो, उससे यानी जब पानी देने की नौबत आती है तो एक बार हम उसमें फर्टिलाइज़र दे दें। उसमें क्या होगा, पानी हमारा फर्टिलाइज़र बहेगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा ड्रेनेज से, सारा का सारा पौधा तुरंत ले लेगा। एक उसके एक दिन बाद हम पानी दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ये जो कि दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट है, डायरेक्ट सनलाइट वाला प्लांट है, हेवी फीडिंग प्लांट है, फर्टिलाइज़र है, तो इसमें क्वांटिटी और इंटरवल माने रखता है। तो गर्मी में दोस्तों मई और जून में हर 10 दिन के अंतर पर हम दे दें फर्टिलाइज़र, और बाकी अन्य महीनों में अप्रैल से सितंबर के बीच में अगर 15 महीने दे दें तो ये एक आइडियल वे होगा हमको देने का। मैं आइडियल वे की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब फर्टिलाइज़र दें क्या दोस्तों, फ्लावरिंग के लिए हमको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। जो पौधा पोटेशियम रिच मांगता है यानी फ्रूट्स देता है, फ्लावर्स देता है, उसकी पत्तियां भी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत मतलब काफ़ी वेल डेवलप्ड होनी चाहिए। ऐसे में क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, यानी फर्टिलाइज़र जो हम देंगे वही उठाएंगी जब फोटोसिंथेसिस होगा। तो ऐसे में दोस्तों हमें नाइट्रोजन पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र इस पौधे को देना होगा। तो NPK भी एक अच्छा स्रोत हो सकता है, उससे क्या होगा पत्तियाँ भी अच्छी बढ़ेंगी और पोटेशियम होने से फ्लावरिंग अच्छी होगी। मिनरल्स में दोस्तों हम लोगों को आयरन अगर हम देते हैं तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि पत्तियों के साथ साथ फूलों का जो वास्तविक रंग है, फूलों का जो वास्तविक रंग है वो निखर के आएगा, प्राकृतिक रंग, तो सुंदरता बहुत अच्छी होगी। अब दोस्तों खाद के तौर पर इसमें हम अगर हम बात करें इन तीन पौधों की अगर हम खाद करें तो प्याज का छिलका, कम से कम दो प्याज की छिलका, दो आलू का छिलका जो निकलता है, एक चम्मच चाय की पत्ती, 1 लीटर पानी में हम 4-6 घंटे के लिए अगर भिगो दें, अगर एक दिन के लिए भिगो सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, वो हम 1 लीटर पानी में बनाएं और उसको 200 ml, 300 ml जैसा पौधे का साइज हो वो हम दे दें, ये एक आइडियल। साथ में आयरन कैसे देते हैं दोस्तों, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आयरन के क्या फ़ायदे हैं। आयरन एक वीडियो है मेरा, उसमें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से जाते हैं हेडर चुन करके। इसके अलावा दूसरा अगर हम खाद की बात करें, चाय की पत्ती है दोस्तों, आपके पास अगर सीवीड है तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, 7-8 बूंद ले लें 1 लीटर पानी में और 1 चम्मच उसमें चाय की पत्ती मिला दें, नई चाय की पत्ती दोस्तों में थोड़ा सा अच्छा बनेगा, ये हैवी फीडर है, यूज़ की हुई नहीं, तो ऐसे में क्या होगा इसको भी दोस्तों हम मिला करके, ये जो चाय की पत्ती है दोस्तों इसको थोड़ा आपको पहले भिगोना पड़ेगा, चाय की पत्ती भिगोना पड़ेगा 4-6 घंटे के लिए, उसके बाद जो प्रिपरेशन होगा उसमें हम सीवीड मिला करके 1 लीटर पानी में हम 4-5 पौधों के लिए ऐसे खाद बना सकते हैं दोस्तों। गोबर खाद और बर्मी कंपोस्ट भी एक सलूशन हो सकता है। अगर हम बात करें 1 लीटर पानी की तो उसमें 100-150 ग्राम खाद पर्याप्त होगा, उसको पानी मिला करके 4-6 घंटे के लिए हम रख दें, एक दिन के लिए भी रख दें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें दोस्तों हम आलू का छिलका साथ में प्याज का छिलका मिला दें, तो क्या हो केले का छिलका ऐसे में क्या होगा वो पोटेशियम रिच होगा, ये मिला दें ये भी बहुत अच्छी और स्ट्रांग खाद बनेगी। इसको भी मिला करके हम अगर पौधों में 150-200 ml डाल देते हैं एक बार में, तब जब पौधे की मिट्टी काफ़ी सूखी हुई हो, पौधा मुरझाने की स्थिति, ऐसे में क्या होगा हमारा दिया हुआ फर्टिलाइज़र वो फौरन सक कर लेगा और बेस्ट आउटपुट देगा। अब बात यह है क्या दोस्तों, इसको हम अन्य पौधों के साथ लगा सकते हैं कि नहीं दोस्तों।
फुल डे सनलाइट और एवरेज वाटरिंग वाले पौधे के साथ लगा सकते हैं। अगर हम ये बात करें, जैसे हमारे पास चांदनी का प्लांट है, अगर हमारे पास गुड़हल का प्लांट है, तो सोचें कि अगर हम उसके नीचे लगा दें, ये प्लांट तो ऊपर है, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ये मरेगा, क्योंकि उन वो पौधे गर्मी के महीने में रोज़ पानी चाहिए, उनको रोज़ पानी चाहिए। आप जब टेम्परेचर 42-45 के ऊपर होता है तो रोज़ पानी चाहिए होता है, ऐसे में उनके साथ सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फाइकस जैसा प्लांट अगर आपके पास है, जहाँ पर 2-3 दिन के बाद भी पानी देते हैं, तो गर्मी में 2-3 दिन के बाद भी ये पानी डिमांडिंग करने लगता है, तो ऐसे में दोस्तों इसके साथ हम लगा भी सकते हैं। ध्यान रहे, जिस पौधे में इसको लगा देंगे उसकी गुड़ाई प्रभावित होगी, उसमें गुड़ाई आप नहीं कर पाएंगे। ये सोच कर करने हैं आपको दोस्तों कि आगे चीज़ें कैसे जाएंगी, कैसे लगाएं, और सावधानियां दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि सावधानियां हमारी क्या हो। लगाने को तो बीज से भी लग जाता है दोस्तों, लेकिन कटिंग से बहुत ही आसानी से लगता है। आपके सामने कटिंग रखी हुई है दोस्तों, हमने क्या किया है, इन्हीं में से कटिंग को निकाला है और इसमें दोस्तों हमने ये छेद बना लिया पहले से। यही तरीका है कि जैसे ये यहाँ पर हम छेद बना लिया ऐसे, और 8-10 कटिंग ज़रूर लगाएं दोस्तों। और हमने एक चीज़ और किया दोस्तों, इसके आसपास की जो पत्तियाँ हैं वो हटा दी हैं, क्योंकि वो फंगल को स्पेस मिलता है ग्रो करने का। ऐसे दोस्तों हमने डाल दिया। अब इसको हमने अगर ऐसे डाल दिया दोस्तों, और यहाँ पर ये हम करके ये और ये इसको ऐसे इसमें डाल करके दोस्तों हम उंगली से इसको अच्छी तरह से मिट्टी को दबा देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पकड़ ले। और इसको लगाने के बाद क्या सबसे बड़ी सावधानी रखनी है दोस्तों, इसको हमें धूप में नहीं रखना है, धूप में नहीं रखना है। और अभी हम पानी का छिड़काव कर देंगे, जिससे थोड़ी सी नमी इसको मिल जाए। पानी का छिड़काव दोस्तों नमी पैदा करने के लिए करना है, ना कि उसको पूरा भिगोने के लिए, इतने भी इसको नमी मिल जाएगी। और जब नम होती हैं जड़ें और उनके ऊपर धूप नहीं पड़ता, तभी दोस्तों जड़ें जर्मिनेट होती हैं, अन्यथा नहीं होती हैं दोस्तों। ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्रोसेस मैंने बताया है, और कटिंग मैंने बस इसी से लिया है, ये ऐसे ऐसे कटिंग ले लिया है, ऐसे ही उससे निकली है, वो कर लिया है दोस्तों हमने। ये कैसे लगाएं और सावधानियां भी दोस्तों हमने बात कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों गर्मी सर्दी और बारिश में कैसे संभालें। गर्मी के लिए तो दोस्तों ढेर सारी मैंने डिस्कशन कर लिया, उसी का प्लांट ही है इस मौसम का। तो दोस्तों खुले में सनलाइट में रखें, पानी का ध्यान रखें, जब पानी एक ये थोड़ा सा मुरझाने लगें तब दें, बेस्ट आउटपुट मिलेगा। बात आती है सर्दी की दोस्तों, तो सर्दी में दोस्तों हमें पाला से बचाना होता है। पाला कब होता है, जब 5-6 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आने लगता है, वो पाला की स्थिति होती है। ऐसे हमको शेडेड एरिया में रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग तुलसी वगैरह को बचाते हैं, तो डॉर्मेंट फेज होता है, उसमें हमको पानी खाद नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। पानी मुश्किल से हम कहते हैं, हो सकता है ये पौधा तो आपको 3-4 हफ्ते में एक बार मांगे, तभी दें। और हमें इसको ब्राइट एरिया में तब भी रखना है, क्योंकि प्रकृति उसकी यही है दोस्तों, ठीक है। ये सो रहा है, जिसका मतलब नहीं कि हम पंखा बंद कर देंगे। बारिश में दोस्तों, बारिश का पानी नाइट्रोजन रिच होता है, ये पौधे की पत्तियों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये सकलेंट क्लास का है दोस्तों, ऐसे में सावधानी भी ज़रूरत है कि अगर बहुत पानी जाएगा, बार बार जाएगा, जैसे सीजन ही होता बरसात का, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा दोस्तों कि पौधा ख़राब हो सकता है। तो बीच का रास्ता क्या है, अभी जब बारिश शुरू होगी तो हम दोस्तों क्या करेंगे, जहाँ रखा है खुले में धूप में रखा है, 1-2 बारिश होगी, इसको उस वक्त उस मतलब पानी की ज़रूरत होगी, एक नेचर नीड होती है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बीच का रास्ता निकालेंगे दोस्तों, ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर डायरेक्ट पानी ना पड़े, और जो बारिश का पानी है उसको हम इकट्ठा करेंगे, और 10-15 दिन में एक बार उस पानी को भी हम डालते रहेंगे। ऐसे में ये हमारे पास फ्लावरिंग का भी पर्याप्त स्पेस मिलेगा इससे, और दोस्तों कुल मिला के सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में रहेंगी हर मौसम में। दोस्तों ये वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है ऐसा मानता हूँ, आपके कमेंट्स बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।